नमस्कार साथियों, चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक लड़की एक बैग को अंकित मूल्य पर 25% के छूट के पश्चात 102 रुपये में खरीदती है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था जो मेरा अंकित मूल्य होता है जो मेरा अंकित मूल्य होता है वो 100% होता है और जो मेरा क्रय मूल्य होता है वो भी 100% होता है। अब जितनी भी छूट अंकित मूल्य पे मिलेगी, अंकित मूल्य को मैं मार्क प्राइस भी बोल सकता हूँ, जितनी भी छूट मेरी मार्क प्राइस पर मिलेगी और उसके बाद जो आता है वो आता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि 25% की छूट मिली है, तो अगर मैं इसमें से 25% की छूट कर देता हूँ तो मेरा आता है 75%। 75% की वैल्यू अब कितनी दे रखी है? 102। तो 1% की मेरी वैल्यू आ जाएगी 102 बटे 75 और मेरे को अंकित मूल्य बताना है जो कि मेरा 100% है, तो 102 बटे 75 गुणा में 100। अब अगर मैं इनको काटूं तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 3 से अब ये चला जाएगा, 3 दिए 9 और 3 चौके 12 34, और अगर 4 की गुणा करता हूँ तो मेरा आता है 136। तो मेरा जो अंकित मूल्य है वो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, 136। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। एक संस्था एक उत्सव का आयोजन करती है और 1/5 लड़कियाँ और 1/8 लड़के उसमें भाग लेते हैं, तो हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने भिन्न ने उत्सव में भाग लिया। अच्छा, पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। ये देखो 1/5 फ्रैक्शन बोलेगी क्वेश्चन के हिसाब से। अब वो बोल रहा है कि 1/5 लड़कियों ने भाग लिया, इसका मतलब टोटल मेरी 5 लड़कियाँ थी उसमें से एक ने भाग लिया है। ऐसे ही टोटल मेरे 8 लड़के थे उनमें से एक ने भाग लिया। अब मेरे को बताना कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूं, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करता हूं, तो मेरा एलसीएम आता है 40। इसका मतलब मेरे पास 40 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब अगर यहां पर देखूँगा तो 5 को 40 से डिवाइड करूंगा तो 8 + 5, इसका मतलब 13/40। इसका मतलब क्या है? आंसर तो अपना आ गया बी, लेकिन इसका मतलब भी समझना ज़रूरी है। क्या है कि मेरे पास टोटल विद्यार्थी 40 थे, लड़का और लड़कियों को मिला के, ठीक है। उनमें से जो उत्सव में जिन्होंने कुल विद्यार्थियों ने भाग लिया वो कितने हैं? वो हैं 13। चलिए एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखते हैं, क्या कह रहा है। 20 व्यक्तियों को एक काम 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 60 व्यक्तियों के पास वही काम करवाना है, ठीक है। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो इसमें मैं एक चीज़ अपने आप से लेकर चलता हूँ कि मेरी एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो एक है, तो मेरी 20 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है? एक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 20। अब एफिशिएंसी इनटू में टाइम, क्षमता गुणा में समय, ये मेरा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 360, ठीक है। अब ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास, टोटल कार्य आ गया। अब मैं इसको 60 व्यक्तियों, मतलब एक आदमी की क्षमता एक है तो 60 आदमियों की क्षमता 60 से डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा? 6 दिन। ये मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा।